गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नियारा शर्मा पे। और सुबह हो चुकी है, हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है, बीना भाभी जा चुकी है और अब स्टार्ट होगा घर का काम। और आज थोड़ी बहुत धूप निकली है, मौसम आज थोड़ा सा साफ है। चलिए देखते हैं कितनी देर धूप रहती है। धूप का कोई भरोसा नहीं है ना, कितनी देर रहे और कितनी देर ना रहे। ये देखिए पापा, नमस्ते पापा। चलिए फिर अभी सबसे मिलवाती हूँ आपको, ठीक है भावना? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और नाश्ता हो गया? हाँ। चलिए फिर ठीक है। और क्या करोगे आज आप? आज तो धूप निकली है, धूप सेकोगे? हाँ। चलिए। और आध्या, गुड मॉर्निंग। आराध्या, नानी, ओ नानी, बोलो बोलो। गुड मॉर्निंग नानी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और निकल गए आज? बाला तो घर पे है नहीं। अरे पीछे हो बेटा, बाला तो घर पे है नहीं, बाला चले जा चुकी है, बीना जा चुकी है। चलिए दोस्तों आपको इना मीना से मिला दे। इना मीना हेलो बोलो सबको, गुड मॉर्निंग बोलो, यूट्यूब फैमिली को गुड मॉर्निंग बोलो। इना मीना देखिए दोनों की दोनों खेल रही हैं, खाना खा चुकी हैं दोनों की दोनों। देखिए देखिए कैसे खेल रही है अपनी मस्ती में। चलिए फिर मिलते हैं आपसे दोस्तों। आज का मौसम बहुत साफ है, धूप निकली हुई है। चलिए आपको दिखाते हैं आज का मौसम कैसा है। चलिए ये देखिए आज का मौसम बिल्कुल साफ है, बिल्कुल धूप निकली हुई है आज तो बहुत अच्छी। ये देखिए कितनी अच्छी धूप आ रखी है। बाहर के मौसम का कोई पता नहीं है, कभी ठंडा हो जा रहा है, कभी गर्म हो जा रहा है। मैं पानी गर्म करके पी रही हूँ, एक गिलास पानी पी लेती हूँ गर्म करके, पानी गर्म हो रहा है इसलिए। और मम्मी तो बाहर गई हुई है, हमारे पड़ोस की एक आंटी है उनके वहाँ गई हुई है, उनका किसी चीज़ का ऑपरेशन हो रखा है, उसका पूछ लीजिए। चलते हैं पानी पीते हैं, उसके बाद काम पे लगते हैं। आराध्या का तो फोन शुरू हो चुका है, देखिए ये देखिए। तो पानी पीते हैं, उसके बाद सफाई वफाई करेंगे। सबके सब घर से जा चुके हैं, जिनको जाना था वो जा चुके हैं। और आराध्या जा रही छत पे, उसकी क्लास हो चुकी है। और आराध्या कुछ कहना चाहते हो? नहीं कुछ नहीं। पढ़ाई करके कैसा लगा? बहुत ही मजा आया। सब बच्चों को लगता है ना वैसे ही लगा मुझे भी। मैं सोच रही नहा लूं पर लेकिन ठंड बहुत हो रही है। जैसे कि दोस्तों सफाई हो चुकी है और लंच बन चुका है, बाला आ चुकी है, नानी भी आ चुकी है। नानी कैसी है उनकी आप? नानी ठीक है? ठीक है उनकी आँख? एक आँख का हो गया, एक आँख का ऑपरेशन हो गया। क्या था आँख में? मोती हाँ, तो उनकी आंख में मोतियाबिंद रखा होगा, उनका ऑपरेशन हो गया है। और बाला भी आ चुकी है। और बाला क्या लाइए तू? सामान। ये क्या लाए? चलिए बाला का सामान देते। ये जो लिपस्टिक मैंने लगा रखी है, अभी देखिए बाला लाई है। इसका नाम है सॉफ्ट पैलेट लिप क्रीम। नंबर भी होगा इसका, नंबर का। ये देखिए लेना हो तो, अगर किसी को लेना हो ले सकता है। ये देखिए मेरे लिप पे वही 15 नंबर है, ये 15 नंबर है। ये मेहंदी का पैकेट लाई हूँ, ये देखिए देखिए यही ये है। थोड़ी लगी ढंग से नहीं है दोस्तों अभी। चलिए ये मेहंदी का पैकेट, एक मेहंदी का पैकेट लाई है। कल लगाएंगे हम बालों में, अपने बालों में मेहंदी लगाएंगे कल। और ये O3 की फेशियल किट लाई हूँ। हाँ फेशियल करना है बालों को, दो लाई हूँ जिनमें मंगाई होगी उनके लिए। जो O3 का फेशियल लेते हैं उन लोगों के लिए वाला नहीं है, लेकिन आए उन्हें करवाना होगा ना। देखिए क्या करा जाती है आप O3 के फेशियल? बहुत अच्छा फेशियल है, इसमें रबड़ मास्क होता है और स्किन टाइटनिंग हो जाती है। एक दिन कभी करके बताएंगे आपको।
ये अच्छा फेशियल है। स्किन जो होती है टाइट होती है, जिसकी स्किन लटकी लटकी रहती है, लूज स्किन रहती है। और कोई और फेशियल कराने से अच्छा ओथ्री कराओ, सबसे बेस्ट है। और ये लाए हैं, ये दिखाओ, ये क्या है? राधा का D10 के पाउच लाई हूँ अभी सैंपल के लिए, कि अभी यूज करके देखेंगे। वैसे तो अच्छा है, जैसे बाला की कॉन्टेक्ट है तो बाला को अच्छी स्किन मिलती रहती है, क्या बोलते हैं, यूज करने के लिए। अगर ये अच्छा हुआ तो फिर हम आपको बताएंगे कि अच्छा है, आप भी यूज कीजिए, और फिर हम इसके बारे में आपका, आपको सारा इसका रेट वगैरह सब कुछ आपको बताएंगे। हाँ, इसलिए अभी रेट रिवील नहीं कर रहे ना। और बाला ये रही की डिटेल रही है, दो डिटेल है। और ये है क्रियॉन लिपस्टिक, ये बताइए, नंबर अभी बता देती हूँ। ये है, ये 4 नंबर है क्रियॉन लिपस्टिक, और ये जो बाला ने लगाई है क्रियॉन ही है। ये वाला शेड लाई, बाला ने जो लगाया वो ये शेड है। मेरा वाला तो कहाँ रख दिया, ये 15 नंबर है, ये शेड है, ठीक है, सॉफ्ट पैलेट लिप क्रीम, ठीक है, ड्राई लिपस्टिक है ये ड्राई है, आपके मास्क में भी नहीं लगेगी। हाँ, इसलिए मैंने ये लगाई है, आपको पता जाना कि ड्राई मारी। हाँ, और ये वाली है क्रियॉन लिपस्टिक, और ये भी ड्राई है, और ये वाला शेड है, ये 4 नंबर है। मेरे तो हाथ पे लगी है, अभी गीली होगी ना इसलिए अभी लगाई, नहीं वैसे हाथ पहले लग गई है। अच्छा, ये देखो ना, ये बिल्कुल नहीं हटती। चलिए फिर लंच करेंगे, और धूप का तो कोई, और भी लाइए मेहंदी ब्रश। हाँ, एक मेहंदी ब्रश भी लाए हैं, वेला का है ये, और लाए हैं ये, एक दीदी ने कहा था काजल ले लेना डिब्बी वाला। हाँ, उनके लिए काजल लिया है। हाँ, तो नहीं हमारे लिए कहा था उन्होंने, इसलिए हमारे लिए सुना था, उनको चाहिए। अच्छा, हमारे लिए नहीं है दोस्तों, हमें वाला काजल लगाते ही नहीं, आंखों में दूसरा लगाते हैं, ये उनको चाहिए, उनको किसी काम के लिए चाहिए होगा तो उन्होंने मंगाया है, तो ये काजल उन्हीं का है, हम उन्हें दे देंगे। ये लो, इसका प्राइस यही लिखा हुआ है, दीदी देख लेना, देखिए 10 रुपीज 10 10 20 रुपीज। चलिए फिर हम आपको मिलते हैं, नानी से मिलेंगे, सामान खरीद के लाया। नानी बोलो, नानी बोलो, ये रही नानी, नानी खाना खाने चले, लंच करें, खाना लगाते। चलिए दोस्तों लंच करते हैं, भावना वो तो ऊपर ही है, पर ऊपर कभी धूप आ रही है कभी जा रही है, धूप का कोई भरोसा नहीं है, और इन्हें कहीं जाना भी है, ये दोनों को मम्मी और बाला कहीं जा रहे हैं। हम जा रहे हैं अपने छोटे चाचा के घर। किसके जा रहे हो? वहाँ मेरी सिस्टर आई है, उसके बेबी हो रखा है, बेबी बॉय है, उसे देखने जा रही है, क्योंकि उन्होंने हमें इन्वाइट किया था ना, तब कोरोना था तो हम जा नहीं सकते थे, कोरोना से मम्मी भी बीमार हो गई थी, और थोड़ा वो भी था ना इन्फेक्टेड हो जाओ तो फिर वहाँ छोटा बेबी है, तो अब जा रहे हैं, बच्चों को भी देखना ही है। अब दोस्तों बताना हमारी भाभी कैसी लगी। चलिए फिर मिलते हैं आपको खाना खाने के लिए। बाला तो नाचती रहेगी, पता नहीं क्यों नाचती रहती है, क्यों नाच रही है भाई? ये तभी बाहर आ रहा है, तभी का बाहर आ रहा है, सर्दियों में सबका टमी बाहर आ जाता है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में, क्योंकि बाहर का मौसम धूप जा चुकी है, मुझे देखनी थी। ये देखिए तो बारिश वाला मौसम हो चुका है, क्या करे कैसे हुआ। देखिए पूरा मौसम हो रहा है बारिश जैसा ही, धूप जा चुकी है, और ये सब देखिए कैसे बैठे हुए हैं। विजय जी
हाय बोल दो। मम्मी और बड़ा जा रहे हैं चाचा के घर और मैं उन्हें गेट तक छोड़ के आती हूँ। चलिए फिर तुम लोगों को छोड़ दूँ, गेट बंद कर दूँ। चलिए फिर छोड़ते हैं इन लोगों को। जा रहे हैं चाचा के घर और हमने सैनिटाइजर भी रखा है, मास्क मास्क ये रहा सब सामान रख लेना। चलो और नानी, नानी तो N95 मास्क लगाती है। नानी नानी अभी कैसे टाटा शाम को मिलेंगे? नानी अपनी यूट्यूब फैमिली को छोड़ दिया इतनी जल्दी आपने? चलिए दोस्तों गेट बंद कर देते हैं। ये देखिए हमारे घर में डॉगी आ गया। रोटी खाएगा? अभी आते, रुक जा। चलिए फिर इन दोनों को, नानी और बाला को थोड़ा बाहर का रास्ता, इन्हें चाहिए पास्ता। हम दिखाएंगे इन्हें बाहर का रास्ता। ये देखिए बाहर का रास्ता, जल्दी आइए, जल्दी जाइए और जल्दी आइए। ठीक है, चलिए टाटा तो कर दीजिए हमारे यूट्यूब फैमिली को अभी के लिए। अभी के लिए बाय, आकर मिलते हैं ना। मास्क सेफ्टी के साथ जाइए। क्या हो गया मम्मी? चलो चलो जाओ, आराम से जाना, कीचड़ हो रहा है। बाय दोस्तों, मम्मी और बड़ा जा चुके हैं और अब मैं क्या करूँ, तो बोर हो रही हूँ। तो ऐसा करते हैं, वैसे मैंने चावल खाया है, आप लोगों को पता ही है चावल खाने के बाद क्या होता है। लाश में जो चूर है गई, भावना को तभी ऊपर है, ठंड है। भावना को बुलाओ, ठंडा हो रहा, पर क्यों खाली ऊपर रहना है? चलिए फिर मिलते हैं आपसे चाय पीते वक्त। दोस्तों मम्मी और बाला घर आ चुके हैं और फिर हमने गप्पे मारी, चाय पी, फिर खाना बनाया। खाना बनाने का टाइम हो गया, खाना बनाया, सब कुछ किया। फिर अब 12 बज चुके हैं, बिग बॉस आ रहा है, बिग बॉस देख रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने इस ब्लॉग का एंड कर दूं, तो मैं ब्लॉग का एंड करने जा रही हूँ। देखो राधे आ गई, आइए राधे कुछ बोलेंगी। मेरी इंटर के चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और ना बेल आइकन को ऑल कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और कुछ और क्या? थैंक यू नहीं बोलोगे किसी ने आपके लिए कहा है? आपके एक्सप्रेशन, आप एक्सप्रेशन क्यों नो? चलिए फिर आपसे मिलेंगे। सर दर्द हो गया इसका, इसका सर दर्द हो रहा है। मैंने भी दवाई खाई भावना से, सब दवाई खा रहा है। मेरी अजीब सी आ रही है धीरे धीरे, बीमार है बाला, बुखार आ गया। बुखार नहीं आया, सर दर्द हो गया, बुखार आ जाता है, फील नहीं आ रही ना। लोग कह देंगे कोरोना वो है, बुखार जैसा ही फील हो रहा है। इसलिए ये आंख इस वन साइड भारी हो रहा, वन साइड इलाज बताओ कुछ। सबसे हम इलाज ही पूछते हैं। बढ़िया है, गुड नाइट तो बोलो। गुड नाइट सबको, अपनी सेहत का ध्यान रखो, ठंड बहुत पड़ रही है, कम से कम कुछ रहो, हंसते रहो, सबको हंसाते रहो, सबके लिए अच्छा अच्छा बोलते रहो, जिससे लोग खुश रहे, हेल्दी रहे। चलिए फिर, चलिए फिर मैं इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ और आपसे मिलूंगी इसी चैनल पे, आपके अपने चैनल नियारा शर्मा पे, नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय और गुड नाइट।